स्थापित है दुर्गा के ये मंदिर। दिन ढलने के बाद यहाँ ठहरने की भूल कोई नहीं करता। वैसे तो आप बहुत से मंदिरों के बारे में जानते हैं, लेकिन आज मैं जिस मंदिर के बारे में आपको बताऊंगी वह अपने आप में ही एक बेहद खास मंदिर है। हर धर्म स्थान की तरह इस मंदिर के साथ भी भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है, लेकिन साथ ही साथ एक ऐसा अंधविश्वास भी कायम है जो इस मंदिर को और भी खास बना देता है। मध्य प्रदेश के देवास जिले में स्थित है ये मंदिर। यहाँ कुछ लोग आस्था की वजह से आते हैं तो वहीं कुछ लोग इसके श्रापित होने जैसे अंधविश्वास की वजह से यहाँ आने से परहेज करते हैं। माँ दुर्गा के इस प्राचीन मंदिर के साथ बहुत सी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ माँ दुर्गा को बलि चढ़ाना आवश्यक होता है, तो वहीं बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि यहाँ किसी औरत की आत्मा भटकती है। लेकिन क्या वास्तव में यह सच है? क्या सच में यहाँ किसी आत्मा का वास है? क्या यह सच में स्थापित है? तो आइए जानते हैं इस मंदिर का रहस्य। अगर इस मंदिर के इतिहास को खंगोला जाए तो यह बात सामने आती है कि देवास के महाराजा ने इस मंदिर का निर्माण कराया था, लेकिन निर्माण के बाद राजघराने में कुछ ना कुछ अशुभ घटना घटने लगी। कलेश इतने बढ़ गए कि परिवार के ही लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। राजकुमारी और राज्य के सेनापति के बीच प्रेम संबंध थे और यह बात जैसे ही फैली उन्हें एक दूसरे से अलग करने की कोशिश शुरू कर दी। राजा ये नहीं चाहते थे कि उनकी पुत्री एक सेनापति से प्रेम करे, इसलिए उन्होंने राजकुमारी को महल में बंधक बनाकर दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया। और इसी दौरान राजकुमारी की मृत्यु हो गई और सेनापति ने देवास मंदिर में आत्महत्या कर ली। और घटना होने की वजह से राजपुरोहित ने राजा से कहा कि अब यह मंदिर अपवित्र हो चुका है, इसलिए अब यहाँ पूजा अर्चना करने का कोई अर्थ नहीं बनता। और पुरोहित ने कहा कि मूर्ति को हटाकर कहीं और स्थापित कर दिया जाए। और मंदिर के पुजारी की बात मानकर राजा ने दुर्गा माँ की मूर्ति को उज्जैन के बड़े गणेश मंदिर में स्थापित कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी मंदिर में होने वाली बुरी घटनाओं में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं आई। उस दिन से लेकर आज तक इस मंदिर में गतिविधियां होती रहती हैं। कभी मंदिर में शेर के दहाड़ने की आवाज़ आती है तो कभी बहुत से तेज निंदा की आवाज़ आती है। और लोगों का कहना है कि दिन ढलने के बाद यहाँ सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई महिला दिखाई देती है जो बस बैठी रहती है, किसी से कुछ नहीं कहती है। और यही वजह है यहाँ सूरज डूबने के बाद कोई भी नजर नहीं आता। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार इस मंदिर को तोड़ने की भी कोशिश की गई, लेकिन मंदिर को तोड़ना नाकाम रहे। और जिन लोगों ने मंदिर को तोड़ने की कोशिश की थी उनके जीवन में बुरी घटनाएं होनी शुरू हो गई। ये थी एसएम न्यूज रिपोर्ट।